आपका रिलेशन, कई बार क्या होता है आपका रिलेशन आपको ना निचोड़ देता है। देखिए जो रिलेशन है एक इलेक्ट्रिक करंट के जैसे, गलत वायर जुड़ गया तो भाई जिंदगी भर शॉक खाते फिरोगे, करंट खाते फिरोगे, और अगर अच्छा कनेक्शन जुड़ गया तो जिंदगी में तुम्हें ऊपर लेके जाएगा, तुम्हारी जिंदगी जगमगा जाएगी। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी एक कचरे की तरह। और याद रखिए, जब इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना सीख लीजिए, क्योंकि हम हमारे बहुत से बनते काम हमारे जुबान के चक्कर में, हमें बोलने की कमी के कारण बिगाड़ लेते हैं। तो अगली बार जहां बोलना ना आ रहा हो वहां ना बोलें। और मेरी अगली 5 लाइनें हर उस एक शख्स के नाम जो कहता है कि यार इस बार भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, उसमें भी मैनेज कर लेंगे, इसमें भी मैनेज कर लेंगे। भाई मैनेज करना क्यों है, क्यों जिंदगी को टुकड़ों में जीना है? जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है जिंदगी तो फिर क्यों ना चाशनी में डुबा कर मजा लिया जाए। और अगर ऐसा सोचते हो कि भाई तुम्हारा ही लक खराब है बाकी सबका काम हो रहा है, तो कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर तुम्हारे साथ है तो लक तुम्हारा हाथ कभी छोड़ेगा ही नहीं। और जिंदगी में कामयाब होना है तो ये चीजें तुम्हें आनी ही चाहिए। बातें करना सॉफ्टली आना चाहिए, मिठास के साथ। खाना सेंसिबली आना चाहिए, तरीके से, कितना खाना है, क्या खाना है और अब की जरूरत क्या है। सोना सफिशेंटली आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम 10 घंटे सो रहे हो, 12 घंटे सो रहे हो, कभी तुम फिर 1 घंटे सो रहे हो, 2 घंटे सो रहे हो, जितना सफिशियंट है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे पास सोने के लिए ज़्यादा टाइम है तो तुम ज़्यादा ही सोगे, कम है तो कम सोगे। अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको मैनेज करना होगा कि भाई कहाँ कितनी क्या ज़रूरत है। ज़्यादा वक्त है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़्यादा ही सो लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, ड्रेस स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से ड्रेस हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें स्मार्ट दिखने के लिए 8-10 हज़ार की जींस लगेगी, 8-10 हज़ार की शर्ट लगेगी, अच्छी 1-1.5 लाख की घड़ी लगेगी, ज़रूरी नहीं है। स्मार्टली तैयार हो, 1000 से 1500 रुपये में भी तरीके से इंसान तैयार हो सकता है। एक्ट करो फियरलेसली, अगर अंदर डर है तो काम अच्छे से होगा ही नहीं। वर्क करो पेशेंसली, बिल्कुल धैर्य के साथ। सोचो क्रिएटिवली, जितना क्रिएटिव सोचोगे उतना प्रोडक्टिव बनोगे। और अर्न ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। सेव रेगुलरली, सेविंग जब तक चल रही है भाई आप कमा पा रहे हो अच्छे से और खर्च पा रहे हो अच्छे से। और आखिरी सीख, स्पेंड इंटेलिजेंटली, जब तक शातिरता के साथ, बुद्धि के साथ खर्च करना नहीं आएगा, पैसा तुम्हारे हाथों में रुकेगा ही नहीं। जी तुम कुछ भी कोशिश कर लो, खर्चना हमेशा बुद्धि के साथ ही। और एक चीज़ में और तुम्हें दिमाग लगाना है, दिल लगाने की जरूरत हर जगह नहीं होती। आपका रिलेशन, कई बार क्या होता है आपका रिलेशन आपको ना निचोड़ देता है। देखिए जो रिलेशन है एक इलेक्ट्रिक करंट के जैसे, गलत वायर जुड़ गया तो भाई जिंदगी भर शॉक खाते फिरोगे, करंट खाते फिरोगे, और अगर अच्छा कनेक्शन जुड़ गया तो जिंदगी में तुम्हें ऊपर लेके जाएगा, तुम्हारी जिंदगी जगमगा जाएगी। और कलाम साहब की 2 बातें हमेशा अपने साथ रखना बहुत काम आने वाली है। टेक केयर ऑफ योर थॉट्स व्हेन यू आर अलोन, अपने थॉट्स पर काबू पाना जब तुम अकेले हो। टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर विद पीपल, और अपने शब्दों पर काबू जब आप लोगों के साथ हो। ये 2 चीज़ें आपको ज़िंदगी में कभी भी हारने नहीं देंगी अगर आप पर इनका कंट्रोल है। तो दोस्तों ये थी वो सीख ज़िंदगी की जो आपको ज़िंदगी में बनाएगी बहुत ही कामयाब इंसान। बस इन चीज़ों पर काबू रखिए और आज की बताई गई बातों पर रखिए ध्यान, ज़िंदगी में आप फेल हो ही नहीं सकते। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। कमेंट करके बताएं कैसे लगी आज की वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।